हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, भावना और पीहू लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना और पीहू बहुत ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो चुप नहीं करवा पा रहे होते। एक तरफ अमारा होती है और दूसरी तरफ आशा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। भावना और पीहू दोनों इन दोनों को चुप करवाते करवाते थक जाते हैं। तो भावना कहती है, अब क्या करें, अमारा चुप नहीं हो रही। तो पीहू कहती है, हाँ तो आर्ची उनसी हो रही है, तो इन लोगों की बातें हो रही होती है। भावना पीहू कहती है, इन दोनों के चक्कर में ना हम लोगों की लड़ाई हो जाएगी एक दिन पक्का। तो तभी पीहू जो होती है वो कहती है कि यार, मैं अमारा को संभालती हूँ, तुम आर्ची को संभालो और इन दोनों को ना कहीं दूर लेके जाओ, एक दूसरे के सामने ही नहीं रहना चाहिए, सामने रहेंगे तो लड़ाई करते रहेंगे। तो भावना कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो पीहू जाती है अमारा का हाथ पकड़ती, कहती चलो यहाँ से। अमारा कहती, छोड़ो मुझे, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई, देखा तुमने इसने मुझे क्या क्या बोला। तो पीहू कहती, हाँ मैंने देखा, और तुमने जो उसे बोला मैंने वो भी देखा, अब चलो यहाँ से। तो हमारे कहती, हर टाइम तुम्हें मेरी गलती क्यों दिखती है? तो आशी ये सब बहुत इंजॉय कर रही होती है, हंस रही होती है, कहती हाँ क्योंकि तुम्हारी गलती होती है इसलिए तुम्हारी खुद की दोस्त को भी तुम्हारी गलती दिखती है। तो पीहू कहती है, आशी तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना इससे। तो हमारा कहती है, देखो कैसी बीच में उछल रही है, अब हम दोनों की बात नहीं है, क्यों टांग घुसा रही है बीच में। तभी भावना जो होती है वो आशी का हाथ पकड़ती है, कहती तुम भी कुछ कम नहीं हो, चलो यहाँ से। तो आशी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। तो भावना जो होती है वो आरशी को समझाती है, कहती है प्लीज़ लड़ाई मत करो, तुम्हें पता है ना वो पीहू की बेस्ट फ्रेंड है, हाँ तुम लोग के चक्कर में ना मेरी पीहू के साथ लड़ाई हो जाएगी, प्लीज़ प्लीज़, मैं लड़ाई नहीं चाहती, इतनी मुश्किल से हम दोनों के बीच में सब ठीक हुआ है, प्लीज़ ना इसको उनसे रहने दो। तो आरशी कहती है, तुम मुझे क्यों समझा रही हो, सब जाकर उसे हमारा को समझाओ ना, वही मुझे लड़ाई करती रहती है। भावना कहती है, तुम्हें क्या हो गया, हाँ तुम्हें तो पसंद थी ना। तो आरशी कहती है, हाँ थी पसंद, लेकिन अब बिल्कुल नहीं पसंद, अब मुझे वो चुड़ैल लगती है, चुड़ैल, मेरी पसंद ख़राब थी, अब समझ आ गया मुझे मैंने कितनी गलत लड़की को पसंद किया था। भावना कहती, अरे ऐसा नहीं है, वो पूरी नहीं है। तो आरशी कहती, अच्छा अभी भी तुम उसकी साइड ले रहे हो, हाँ लोग ही ना, क्योंकि वो तुम्हारी जान की बेस्ट फ्रेंड जो है, एनीवे देख लिया मैंने, तुम भी सिर्फ अपनी जान और उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरफदारी लोगे, मेरी तो लोग ही नहीं, इसलिए जा रही हूँ यहाँ से। तो आरशी ऐसे बोल के क्लास में चल जाती है, और पीहू जो होती है वो भी हमारा को समझा रही होती है, लेकिन हमारा तो कुछ सुनेगा नाम नहीं लेती, वो कहती है गलती उसकी होती है, लेकिन हर बात तुम मुझे जानती हो, मुझे समझाती हो, ये सही है, मतलब तुम्हारी जान की गर्लफ्रेंड है तो मैं चुपचाप उसको फेस करूँ, हाँ उसकी सारी बदतमीजी को फेस करूँ, मुझसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझी। तो हमारा भी ऐसा गुस्सा करके ना अपनी क्लास में चल जाती है। तो ये दोनों अपनी अपनी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो भावना जो होती है वो कहती है कि पीहू यार, अब क्या करें, मेरा तो दिमाग ख़राब कर दिया इन लड़कियों ने। तो पीहू कहती, मेरा भी कुछ यही हाल है, मेरा तो सर दुख गया है इनकी की वजह से, मैंने बोला था ना अभी कॉलेज नहीं चलते, तुम ही था कॉलेज चलो कॉलेज चलो, आया मजा घर रहो चुपचाप। भावना कहती, वाह उनका गुस्सा था, मुझ पे क्यों निकाल रही हो? पीहू कहती, हाँ तो निकालूंगी ना, तुम अपनी दोस्त को नहीं समझा सकती। तो भावना कहती, हाँ तुमने कौन सा अपनी दोस्त को समझा रखा है, दोनों ही लड़ाई कर रहे थे, सिर्फ मेरी दोस्त की गलती नहीं है इसमें, तुम्हारी दोस्त की भी गलती है। पीहू कहती, हाँ ठीक है सारा ब्लेम मेरी दोस्त पे कर दो, तुम्हारी दोस्त भी ना कुछ कम नहीं है, मैंने देखा है वो भी बहुत हरकतें करती हैं। तो भावना कहती, सही है भाई, सारा गुस्सा सारे, एक काम करते हैं मैं यहाँ से चली जाती हूँ ना, हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। तो आरशी ऐसे बोल के क्लास में चली जाती है, और जाके वो भी आरशी के साथ बैठ जाती है, सॉरी भावना। तो आरशी भावना को कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों बैठी हो? भावना कहती, क्यों प्रॉब्लम है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती, कांटे लगे हुए हैं मेरे में। तो आरशी कहती, अरे तुम गुस्सा क्यों करी हो पागल, मेरा मतलब था कि तुम तो पीहू के साथ बैठी हो ना। भावना कहती, अच्छा तो तुम्हारे साथ ना बैठो, ठीक है जा रही हूँ मैं। तो आरशी ऐसे भावना का हाथ पकड़ती, कहती रिलैक्स, तुम कितना गुस्सा कर रही हो, गुस्सा तो मुझे करना चाहिए था। भावना कहती, हाँ तुम्हें गुस्सा करना चाहिए था, राइट, इतना तमाशा जो लगाया तुमने वो कम था, जो भी फिर भी तुम्हें गुस्सा करना चाहिए था। तो आरशी भावना को कहती, अच्छा सॉरी ना, तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? भावना कहती, अब तो हो गया जो होना था, सर फट रहा है मेरा दर्द से, तुम दोनों की वजह से। और ये कहती, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती ना उस छिपकली की थी। तो कहती, हाँ छिपकली, कल तक तुम्हें बहुत पसंद थी भाई छिपकली, हाँ उसकी स्माइल पसंद थी, क्यूट लगती थी तुम्हें, और आज अचानक से क्या हो गया? और ये कहती, मेरे दिमाग ख़राब था, नज़रें ख़राब हो गई थी मेरी, जो मुझे वो क्यूट लगती थी, अब मेरी आँखें ठीक हो गई हैं, दिखता है मुझे बिल्कुल क्यूट नहीं है, चुड़ैल दिखती है चुड़ैल। तो पीछे से पीहू आ जाती है, वो ये सुन लेती है, वो भावना को कहती है, सुना तुमने, मैंने बोला था ना तुम्हारी भी दोस्त कुछ कम नहीं है। भावना कहती, वो प्लीज़ पहले मेरा सर दर्द है और दर्द मत करो। पीहू कहती, तुम मुझसे क्यों झगड़ा कर रही हो, हाँ मेरे ऊपर क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही हो? तो भावना कहती, तो क्या करूँ मैं? पीहू कहती, देखो मैंने बोला था इन दोनों की वजह से हमारी लड़ाई होगी, और वही हो रहा है। आरशी तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हारी वजह से हम दोनों की भी लड़ाई हो रही है। आरशी कहती, मैंने क्या किया है? भावना कहती, हाँ तुम दोनों ने कुछ नहीं किया, सब मैंने ही किया है। तो मतलब भावना को बहुत गुस्सा आया होता है, अब वो मुँह फुला के गुस्से से वहाँ से उठ के ना एक और लड़की के साथ जाके बैठ जाती है, जिसके साथ वो कभी नहीं बैठी थी। वो लड़की भी बहुत अच्छे से भावना से बात करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भावना उसके साथ बैठी होती है, बट भावना को तो ध्यान ही नहीं होता।
वो बस सर पकड़ के ऐसे यही सब बातें सोच रही होती है, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो आरशी जो होती है वो देखती है पीयू और भावना को। पीयू भी चुपचाप दूसरी जगह पे मुंह फुला के बैठी होती है, तो आरशी ये सब देखती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि शायद भावना ने सही कहा था, मेरी गलती है, मेरी वजह से इन दोनों के बीच में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ था इन दोनों के बीच में। तो आरशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, भावना के सर में भी बहुत दर्द होता है और पीहू के भी, वो दोनों अपने अपने सर पकड़ के बैठे होते हैं। तो आरशी को बहुत सैड फील होता है और उसे गिल्टी फील होता है कि सब उसकी वजह से। तो वो सोचती है कि मैं जाके ना हमारा से बात करती हूँ, हम दोनों के बीच में जो लड़ाई है हम खुद सॉर्ट आउट करेंगे, बीच में इन दोनों को लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका रिलेशन क्यों ख़राब हो। तो आरशी ये सब सोच के जाती है हमारा के पास, देखती है कि हमारा अपनी क्लास में बैठी है और उसकी सब फ्रेंड भी बैठी हैं और हमारा बस चुपचाप बैठी होती है हेड डाउन करके। तो आरशी उसके पास जाती है कि कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा ऐसे फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, कहती क्या बात करनी है बोलो। वो कहती है यहाँ नहीं बाहर चलो। तो कहती अच्छा नौकरों मैं तुम्हारी तुम्हारे साथ बाहर चलूँ, जो भी बात करनी है यहीं करो, ऐसे मेरी फ्रेंड्स हैं। आरशी कहती तुम्हें समझ नहीं आता, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मैंने। तो उसकी सारी दोस्तें खड़ी हो जाती है, कहती ये क्या तरीका है सीनियर से बात करने का, हाँ क्या बोला तुमने, तुम्हें आप बोलो आप। तो आरशी को बहुत गुस्सा आता है। तो हमारा कहती है हाँ आप बोलो पहले फिर चलूँगी मैं, वैसे भी सीनियर हूँ ना मैं तुम्हारी, तो सीनियर्स को नाम से नहीं और ना ही तुम करके बुलाते हैं, किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया क्या। तो उसकी दूसरी दोस्त खड़ी हो जाती है जो सबकी रैगिंग करती है, वो कहती है क्यों ना हम इसे मैनर्स सिखा दें। तो हमारा को समझ आती है कि इसकी रैगिंग करेंगे गंदी वाली। तो हमारा कहती है कि बोलो आप, हाँ वरना मेरी दोस्तें तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। तो आरशी को तो बहुत गुस्सा आया था, उसको बिल्कुल दिल नहीं होता। वो कहती है कि मैं तो तुम ही बोलूँगी, तुम समझी। तो हमारा को बहुत गुस्सा आता, गुस्से से खड़ी हो जाती, कहती है तुम्हें समझ नहीं आता, बोला ना आप बोलो, सीनियर हो ना मैं तुम्हारी। तो आरशी भी ऐसे अपने हाथों को ऐसे बांध के और एटीट्यूड से कहती है मैं तो तुम्हें ही बोलूँगी, तुम आप डिजर्व भी नहीं करती। तो बाकी सारी लड़कियां खड़ी हो जाती है, कहती है इसे तो मैनर्स सिखाने ही पड़ेंगे। तो वो हमारा को पीछे कर देती है और सारी उसको ना ऐसे ही घेर लेती हैं। तो बड़े मज़े का सीन होता है। जो आरशी जो होती है वो ऐसे मिड में खड़ी होती है और इर्द गिर्द सारी उसकी सीनियर्स खड़ी होती हैं जो उसकी बहुत बुरी सब रैगिंग करने वाली होती है। एक लड़की जो होती है वो पीछे से उसके बालों को छेड़ रही होती है, कहती है छी कितने गंदे बाल हैं इसके। तो बाकी भी ऐसे उसके बहुत तंग कर रही होती हैं, कोई इसके कपड़ों में ऐसे टच कर रहा होता है। तो आरशी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता और हमारा पीछे खड़ी होती है। पहले तो वो हंस रही होती है, वो कहती है इसे शौक था, मैंने बोला था आप बोले बात खत्म, लेकिन नहीं बुक। तो हमारा भी एक कोने पे खड़े होकर स्माइल करते हुए सब देख रही होती है। तो आरशी जब देखती है हमारा स्माइल कर रही है तो उसे और गुस्सा आता है। वो कहती है ये यही चाहती थी, इसलिए इसने जानबूझ पे ये टॉपिक निकाला कि मैं आप बोलूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तो बात करने आई थी, सब खत्म करने आई थी हमारे बीच का, लेकिन नहीं ये तो सब बढ़ाना होता है। तो आरशी ऐसे फुल गुस्से में हमारा को घूर के देख रही होती है। तो उसकी एक दोस्त देख लेती है हमारा की, वैसे आरशी का फेस को ऐसे पकड़ती है गुस्से से और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे घूर के देखने की, यार नज़रें नीचे करो। तो आरशी गुस्से में अभी भी हमारा को देख रही होती है। तो उसकी फ्रेंड बड़ा गुस्सा करती है, नज़रें नीचे। तो आरशी किसी की सुनती नहीं है। तो उसके दोस्त ने ऐसे गुस्से से आरशी का फेस पकड़ा होता है और उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का देती है। तो सब लड़कियों ने उसे घेरा होता है, तो बाकी लड़कियाँ पीछे हो जाती है और आरशी जोर से नीचे गिरती है। तो गिरती है तो मतलब नीचे छोटे छोटे ना कांच का मतलब गिलास टाइप टूटा होता है, उन्होंने उठा तो लिया होता है, तो उसके छोटे छोटे कुछ पीसेस रह गए होते हैं नीचे। जब आरशी नीचे गिरती है ना तो उसके हाथ पे वो लग जाते हैं, तो उसके हाथ से काफ़ी ब्लड आने लग जाता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस काफ़ी ज़्यादा वहाँ पड़े होते हैं जो आरशी के वो लग जाते हैं। और आरशी ऐसे हाथ पकड़ कर देखती तो सारी लड़कियाँ जो होती हैं फुल गुस्से में और हंस रही होती, कहती आया मज़ा, अभी तो हमने तुम्हारे साथ कुछ शुरू भी नहीं किया, शुरू करेंगे ना तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसे तमीज़ से कह रहे हैं सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो, वरना मैं बहुत तरीके आते हैं सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करवाई जाती है। और ऐसे हंसते हुए वहाँ से उठ के चली जाती है। सब लड़की ने देखा होता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है, बट किसी को कुछ परवाह नहीं होती, उनके लिए ये सिर्फ एक सबक सिखाना होता और ये भी उनके लिए कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे सोच के वो बाहर चल जाती है और आरशी को बहुत पेन हो रहा होता है, तो मतलब उसके हाथ पे बहुत लगी होती है, वो उठ तक नहीं पा रही होती। तो हमारा ये सब देख रही होती है, तो पहले तो वो स्माइल कर रही होती है, उसकी रैगिंग को इंजॉय कर रही होती है, बट जब देखती है कि उसको लग गई है, सीरियस हो गया, तो हमारा को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो ऐसे उठ के आती है और आरशी की तरफ ऐसे अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन आरशी को तो हमारा पे बहुत गुस्सा आया होता है। वो ऐसे गुस्से से खुद खड़ी हो जाती है, कहती मैंने सोचा था कि तुमसे बात करके सब खत्म करूँगी, तुम्हारी और मेरी वजह से भावना और पीहू के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उनकी लड़ाई हो रही है, मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं है, इसलिए यहाँ आई थी कि चाहे तुमसे सॉरी करनी पड़े लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच जो लड़ाई है वो ख़त्म करूँगी। लेकिन तुमने साबित कर ही दिया मुझे तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें मैं दोस्त बनाऊँ, दोस्त बनाने आई थी मैं तुम्हें, लेकिन देखो
तो और ज़्यादा तुमसे नफरत हो गई है मुझे। तो ऐसे बोल रही होती है, बहुत कुछ सुना रही होती है, और ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में से आंसू भी आ रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में अभी भी हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो हर्ट हो रहा होता है सब बातें सुन के। तो ये सब बोल के आरशी वहाँ से गुस्से से चली जाती है, तो अमारा की आँख में से वैसे आंसू आ रहे होते हैं। तो उसे अपना आंसू साफ करते हो, कहती मुझे क्या हो गया, उसकी बात के इतना असर क्यों है मुझे, मुझे तो बहुत लोगों ने ऐसा बोला है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसने भी आज बोल दिया। तो अमारा ऐसे बोल के ख़ुद को और स्ट्रॉन्ग करके बाहर की तरफ जा रही होती है। तो आरशी जो होती है वो क्लास में जाती है जहाँ भावना बैठी होती है, तो उसके पास ना जाके अपना बैग उठाती है, तो भावना वापस मतलब आरशी की जगह पे आके बैठी होती है, तो बैग उठा के जाने लगती है। तो भावना से कहती कहाँ जा रही हो तुम, तो आरशी ने पीछे से अपना हाथ छुपाया हुआ होता है। भावना कहती किधर जा रही हो, हुआ क्या है, बात तो सुनो मेरी। आरशी कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जा रही हूँ। भावना कहती लेकिन क्या, बात तो सुनो। लेकिन आरशी उसकी कोई बात ही नहीं सुनती, गुस्से से बैग उठा के वहाँ से जाने लगती है। और जब बाहर जाती है ना, तो वो मतलब उनके साइड पे ये होता है कि कॉलेज टाइम से पहले उन्हें घर जाना होता है, तो प्रिंसिपल मैम से परमिशन लेनी होती है। तो उसे वो परमिशन चाहिए थी, तो वो मैम के ऑफिस की तरफ जा रही थी। तो जब वो जा रही होती है तो उसे देखती है हमारा जाते हुए, और उसके हाथ की तरफ उसकी नज़र पड़ती है, उसके हाथ से अभी भी खून निकल रहा होता है। वो कहती है कि पागल लड़की ने कुछ लगाया क्यों नहीं, अभी तक खून निकल रहा है, इसे खुद की परवाह नहीं है क्या। तो हमारा यही सब सोच रही होती है कि तभी वो कहती है कि मुझे क्या, जो करना है इसे करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारे ऐसे सोच के वापस अपनी क्लास की तरफ चली जाती हैं, और वहाँ पे इसकी ग्रुप की एक लड़की देख लेती है आरशी को ना प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाते हुए। तो वो समझती है कि शायद वो इन सब गर्ल्स के खिलाफ कंप्लेन करने जा रही है, तो वो अपनी सारी फ्रेंड्स को बता देती है कि आज तो हमारी लगने वाली है, वो प्रिंसिपल मैम के खिलाफ, प्रिंसिपल मैम से हमारी कंप्लेन करने जा रही है, मैंने खुद उसे प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाते हुए देखा है। तो कहती क्या तुमने उसे रोका क्यों नहीं, कहती मैं अकेले कैसे रोकती, चलो जल्दी से उसे रोकना होगा। तो सब लोग ऐसे बोल के भागते हैं उसके पीछे। तो आरशी जो होती है प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के बाहर पहुँच चुकी होती है, अंदर जाने वाली होती है कि एक लड़की पीछे से उसके मुँह पर ऐसे हाथ रखती है, और उसे ना ऐसे खींचते हुए ना वॉशरूम की तरफ लेके जाती है। तो वॉशरूम में लेके जाके ना अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है, और सब लड़कियों से घेर लेती है, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, यहाँ हमारी कंप्लेन करने गई थी तुम, आज तक किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी कंप्लेन करे, तुम इतनी डेयरिंग आ गई तुम में। हाँ तो ऐसे सब उससे बातें कर रही होती है, और बहुत मतलब उससे रूड बिहेव कर रही होती है। तो आरशी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहती अच्छा तो क्या करने गई थी तुम, मिठाई खाने जा रही थी मैम के ऑफिस से, हाँ बताओ क्यों जा रही थी वहाँ पर। तो वो कहती है कि मुझे मैम से कुछ बात करनी थी। कहती क्या बात करनी थी, हमारी कंप्लेन करनी थी ना, हम अच्छे से जानते हैं, अब तुम यहाँ से निकलोगी तभी कंप्लेन करोगी ना। आरशी कहती क्या मतलब, तो वो कहती मतलब अभी बताते हैं। तो उनसे एक लड़की जो होती है आरशी को ऐसे उल्टा कर देती है और दीवार की तरफ धक्का देती है। तो आरशी को दीवार की तरफ धक्का लगता है तो मतलब उसके सर पर चोट भी लग जाती है, बट वो लड़कियाँ इस चीज़ की भी परवाह नहीं करती, और उसके दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ करके ना उसके हाथ को ना एक दुपट्टे से बांध देती हैं। तो आरशी कहती क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, अरे मैं तुम लोग की कंप्लेन क्यों करूँगी, मैं कंप्लेन करने नहीं जा रही थी। तो लड़कियाँ कहती हमें सब पता है हाँ जो तुम करने जा रही थी। तो आरशी के हाथ पे पहले भी चोट लगी होती है, तो उसे और दर्द हो रहा होता है, और ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रही होती है। आरशी कहती मुझे दर्द हो रहा है, खोलो मेरा हाथ। तो उनमें से एक लड़की आरशी को सीधा करती है और दीवार से लगा देती है, और ऐसे उसके नेक के पास मतलब ऐसे अपना शोल्डर रख के ना टाइटली वाला, तो आरशी ऐसे खांसने लग जाती है, मतलब उसका गला तक बंद कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि हमारी कंप्लेन करोगी, हाँ इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तो वो ऐसे बोल के ना एक रुमाल टाइप उसके मुंह में फंसा देते हैं। तो आरशी ऐसे करती रहती है, लेकिन कोई लड़की उसकी बात तक नहीं सुनती। और फिर एक लड़की ना उसे जो मतलब वॉशरूम होता है ना उसके अंदर लेके जा रही होती है, और उसको लॉक कर देती है अंदर से। और आरशी बाहर से करती रहती है खोलो मुझे, लेकिन कोई उसकी बात तक नहीं सुन रहा होता। वो दरवाजे से भी ऐसे ज़ोर ज़ोर से टांगे मार रही होती है, लेकिन वो लड़कियाँ ना हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं, और उसको बैग भी उठा के ऐसे वॉशरूम के अंदर ही फेंक देती हैं। अब वो लोग तो आराम से जाके क्लास में बैठ जाती हैं, और क्लास में जाने के बाद बहुत हंसी मजाक बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। और हमारा जो होती है वो भी क्लास में होती है। अब हमारा भी इन्हीं की ग्रुप से में थी, तो उसे पता होता है कि जब ये किसी लड़की की रैगिंग करके आते हैं वो भी अच्छी वाली, तभी वो इतना खुश होते हैं और इतनी सॉन्ग्स वगैरह सिंग करते हैं, डांस वगैरह ये सब करते हैं, और ये सब चल रहा होता है। तो हमारा को शक होता है, तो वो एक लड़की से पूछते हैं कि इतने खुश क्यों, किसकी रैगिंग किया क्या। वो कहते नहीं नहीं हमने तो किसी की रैगिंग नहीं की। तो वो हमारा से झूठ बोलती है, लेकिन हमारा को शक होता है। तो वो जाती है पीहू की क्लास में, तो वो देखती है भावना की क्लास में, तो इधर उधर देखती है, उसे कहीं नज़र ही नहीं आती आरशी। तो वो भावना से पूछती है कि आरशी का है, भावना कहती है क्यों और लड़ाई करनी है क्या उससे। वो कहती है प्लीज़ बताओ वो कहाँ है। तो कहती है मुझे नहीं पता, वो बैग उठा के गई थी, शायद वो घर चली गई, उसने बोला उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमारा जो होती है
वो थोड़ा ऐसे सोचती है तो कहती है हाँ प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की तरफ जा रही थी, हाँ शायद घर ही गई होगी। तो वो ऐसे सोच के वापस क्लास में जाने लगती है। तो तभी एक लड़की जो होती है सामने से वो कोल्ड ड्रिंक लेके आ रही होती है और उसको धक्का लगता है, तो वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो अमारा की शर्ट पे गिर जाती है। अमारा कहती व्हाट द हेल, मेरी पूरी शर्ट ख़राब कर दी। तो कहते हैं आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी मैम। तो वो भी जूनियर होती है तो बहुत रिक्वेस्ट करता है आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं। तो कहती तुम्हारी तो फिर ऐसी मतलब तो बहुत गुस्सा आता है, उससे पहले इसे सुनाने वाली होती है। लेकिन फिर उसके दिमाग में सारी वही आरशी की बातें घूम रही होती है कि तुम भी इन जैसी हुई है वो, तो इस वजह से वो कंट्रोल कर जाती है खुद पर और कहती है इट्स ओके। तो ऐसे बोल के वॉशरूम की तरफ जाने लगती है साफ़ करने के लिए। तो जब वो वॉशरूम जाती है ऐसे शर्ट को साफ़ कर रही होती है, वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है कि उसे वहाँ पे वॉशरूम में ना ब्लड के वो ड्रॉप्स दिखते हैं छोटे छोटे। तो वो कहती है कि ब्लड यहाँ पे। तो फिर उसके दिमाग में से फ़ौरन से आरशी का ख्याल आता है, वो कहती है कि कहीं आरशी का खून तो नहीं, लेकिन यहाँ पे वॉशरूम में वो तो घर चली गई थी ना। तो इधर उधर देखती है तो उसे कहीं पर कुछ भी मतलब नहीं दिख रहा होता है, ना आरशी का बैग ना कुछ, लेकिन वो ड्रॉप्स दिख रहे होते हैं जो उस वॉशरूम जो लोग बहुत है उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो अमारा जो होती है ऐसे उस वॉशरूम की तरफ जाती है और ऐसे हाथ लगाती है उसके दरवाजे को, कहती है अंदर कोई है क्या, हेलो कोई है अंदर। तो आरशी जो होती है ना वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से मतलब अपने पाँव से ना दरवाज़ा बजाने लग जाती है। तो अमारा समझ आती है अंदर किसी को बंद किया हुआ है, तो वो समझ जाती है कोई जूनियर ही होगी। और फिर उसके दिमाग में यही आता है कि कहीं ये आरशी तो नहीं, ब्लड तो आरशी के हाथ से निकल रहा था। तो और तो डर जाती है, कहती आरशी क्या तुम हो अंदर, हाँ। तो आरशी ऐसे हूँ करती है, हमारा कहती शिट। तो हमारा जो होती है ऐसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, तो मतलब इनकी दोस्तों ने ना ताला लगा रखा होता है उस दरवाजे पे ना, अच्छे से लॉक करके कहती क्योंकि खोले ना। तो आरशी जो जैसे ऐसे मुँह कर रही होती है बार बार दरवाज़ा बजा रही होती है, तो हमारा कहती अच्छा चुप मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ, शोर मत मचाओ वो क्या वरना कोई आ जाएगा। तो आरशी इधर उधर देखती है हमारा कहीं होता ही नहीं कुछ, किस चीज़ से लॉक खोले। तो वो बाहर की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ बाहर मतलब हॉल में ना एक हथौड़ा टाइप होता है जो इमरजेंसी के लिए रखा होता है। तो उसको निकालती है और आके लॉक खोल देती है। और जैसे लॉक खोलती है दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि सामने आरशी होती है, उसके हाथ बांधे हुए होते हैं लेकिन उसके पाँव वो नहीं बांधते, और उसका मुंह में भी कवर करा होता है जिसकी वजह से बोल ना सके। तो आरशी जब देखती है सामने से मारा तो आरशी तो बहुत डर जाती है। तो मारा ऐसे फ़ौरन जो उसके हाथ खोलती है, शीट रिलैक्स मैं खो रही हूँ, तो तुम ठीक हो ना। तो ऐसे बोल के ऐसे उसके फेस को हाथ लगाती है, उसके मुंह से वो रुमाल निकालती है। तो आरशी बहुत डर गई होती है, उसे लगता है कि शायद आज सारी रात उसे वॉशरूम में गुजारनी होगी। तो वो ऐसे डर के मारे हमारा को ऐसे टाइटली हक कर लेती है। तो जब हमारा को हक करती है ना, तो हमारा की ऐसी दोनों आँखें खुल जाती हैं और हमारा ऐसे सीधी खड़ी रहती है। तो आरशी ऐसे उसे हक करके बहुत रोने लग जाती है। तो हमारा उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम रोना बंद करो। तो ऐसे उसे वॉशरूम से बाहर निकाल के लेके आती है और बाहर ग्राउंड में लेके आती है, क्योंकि आरशी का दम घुट रहा होता है, उसको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो हमारा भाग के पानी लेके आती है उसके लिए और पानी पिला रही होती है अपने हाथ से, कहती तुम ठीक हो ना, हाँ कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें, दिखाओ मुझे तुम ठीक हो ना। तो ऐसे इधर उधर देख रही होती है और उसके हाथ पे देखते हैं कि अभी तक ब्लीडिंग हो रही होती है और बहुत ज़्यादा मतलब उसका ब्लड वेस्ट हो चुका होता है। तो हमारा अपने पॉकेट से रुमाल निकालती है और ऐसे उसके हाथ पे वो रुमाल लगाने लग जाती है। और आरशी जो होती है वो बहुत प्यार से हमारा को देख रही होती है, मतलब उसके दिल में जो हमारा के लिए फीलिंग्स कहीं ना कहीं वो दफन करने वाली होती है, वो फिर से जाग उठती है हमारा की केयर देख के। और हमारा भी आरशी की बहुत केयर कर रही होती है, ऐसे उसके हाथ पे प्यार से रुमाल बांध रही होती है, उसे पानी पिला रही होती है, बार बार उसके फेस को टच करके पूछ रही होती है कि तुम ठीक हो ना, हाँ कि हम डॉक्टर के पास चलें, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है। तो आरशी ऐसे हमारा को कहती है तुम हो क्या चीज़, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। हमारा कहती क्या हुआ, आरशी कहती तुम क्या हो जो थोड़ी देर पहले थी और जो अभी मेरे सामने हो। तो हमारा ऐसे फ़ौरन से खड़ी हो जाती है और कहती मैं वही हूँ जो थोड़ी देर पहले अंदर रूम में थी, जिसे तुम अच्छे से जानती हो। तो ऐसे बोल के फिर से एटीट्यूड के साथ अंदर की तरफ चली जाती है। तो आरशी कहती है क्या मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रही, कभी इतनी अच्छी हो जाती है और कभी एकदम इतनी बुरी हो जाती है, आ भगवान क्या करूँ मैं इस लड़की को क्यों नहीं समझ पा रही। तो वो आरशी ऐसे मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं और ऐसे उठने की कोशिश करती है तो उसे चक्कर आ रहे होते हैं क्योंकि उसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो चुका होता है, बहुत खून बहने की वजह से उसे वीकनेस हो रखी होती है, उसने मतलब काफ़ी देर अंदर भी बंद थी तो उसकी वजह से भी उसे कुछ हो रहा होता है। तो ऐसे उठती है और अंदर क्लास में जाने की कोशिश करती है, ऐसे थोड़ा थोड़ा चल रही होती है, उसको चक्कर आते हैं वो नीचे गिर जाती है। तो भावना जो होती है ना वो भी अपनी क्लास से बाहर निकलती है और उस दिन पीयू भावना की क्लास में बैठी होती है, अपनी क्लास में जाती ही नहीं, जाती तो शायद उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो तो भावना के पीछे उसी क्लास में बैठी रहती है। तो
तो बहाना जब क्लास से बाहर निकलती है, बाहर की तरफ आ रही होती है, तो देखती है कि ग्राउंड में बाहर आरशी बेहोश पड़ी है। तो देख के बहाना डर जाती है, फ़ौरन से भाग के आती है और कहती है कि आरशी क्या हुआ तुम्हें, आरशी आंखें खोलो तुम ठीक हो ना। तो वो ऐसे बोल रही होती है, कहती है हेल्प क्या कोई है यहाँ पे, हेल्प हेल्प, तो ऐसे कर रही होती है। तो दूसरी साइड से ना अमारा जो होती है वो आ रही होती है, तो वो देखती है कि नीचे आरशी गिरी पड़ी है और भावना उसके पास बैठ के चिल्ला रही है। तो वो भाग के आती है और वो आरशी आरशी को ना गोद में उठा लेती है बगैर कुछ बोले, और ऐसे ना मेडिकल रूम की तरफ लेके जा रही होती है। तो बहाना भी ऐसे पीछे पीछे भाग रही होती है, तो अमारा उसे ऐसे गोद में लेके जा मेडिकल रूम में लेके जाती है और बेड पे जाके लिटा देती है। और डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ ऐसे बेहोश क्यों हो गई। तो भावना कहती मुझे कुछ नहीं पता। तो हमारा को तो सब पता होता है, हमारा कहती कि इसके हाथ पे चोट लगी थी और बहुत खून निकला था, शायद इस वजह से ये बेहोश हो गई है। तो डॉक्टर जो होते हैं उसकी आईज वगैरह सब चेक कर रहे होते हैं, और भावना जो होती है ऐसे घूर के हमारा को देखती है। उसे लगता है कि सब हमारा ने किया है क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो भावना ऐसे गुस्से से हमारा की तरफ देखती है, कहती क्या किया तुमने मेरे दोस्त के साथ, बताओ क्या किया तुमने, क्यों उसकी हालत और क्यों खून निकला था इसे, तुमने कुछ किया है ना। ऑफकोर्स तुम नहीं कर सकती हो, और कौन करेगा इसके साथ इतना बुरा, मुझे लगा था कि तुम पीहू की दोस्त हो तो पीहू की तरह अच्छी होगी, लेकिन नहीं तुम वही हो जो तुम्हें किस समझती है आरशी। तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचती थी वो, तुम क्यूट लगती थी उसे, तुम्हें लाइक करने लगी थी वो, लेकिन तुम उसके लायक ही नहीं हो यार, तुम बहुत गंदी हो, बहुत गंदी हो, बहुत ज़्यादा गंदी हो, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तो वो ऐसे बोल के ना हमारा को धक्का दे देती है, और फिर वो आरशी का हाथ पकड़ के बैठ जाती है और डॉक्टर को कहती है इसे कब होश आएगा, ये ठीक तो हो जाएगी ना। तो डॉक्टर कहती है हाँ डरने की कुछ बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी, होश आ जाएगा इसे थोड़ी देर में। तो हमारा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि भावना ने उसे बहुत कुछ सुनाया था, बस वो गुस्से में बाहर की तरफ जा रही होती है। और पीहू से बाहर की तरफ जाते हुए देख के मेडिकल रूम में आती है और देखती है कि भावना और आरशी हैं। तो वो भावना से पूछती है क्या हुआ आरशी को, तो भावना कहती है मुझसे क्यों पूछो, अपनी दोस्त से जाके पूछो ना उसने क्या किया इसके साथ। तो वो पीहू को बहुत कुछ सुनाती है हमारा के खिलाफ। पीहू कहती है वो मेरी दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती और आरशी को तो बिल्कुल नहीं। तो भावना कहती है तुम उस पर इतना भरोसा क्यों है, हाँ मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे, मैंने बोला नहीं तुम्हारी दोस्त ने क्या है। तो पीहू कहती है तुम जो मर्जी बोलो, तुम इसे बोलो ना वो बदतमीज़ है, ठीक है मैं मानती हूँ बदतमीज़ है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती और आरशी को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानती है मैंने उसे मना किया है इसे हर्ट करने से, वो नहीं करेगी। तो ऐसे बोल रही होती है और वहाँ हमारा बहुत गुस्से में बाहर की तरफ निकल जाती है। उसके दिमाग में भावना की सारी बातें चल रही होती हैं कि तुम बुरी हो, तुम ये हो वो, और आरशी की भी बातें चल रही होती हैं, और वो गुस्से से अपने आप को ना उसी वॉशरूम में बंद कर देती है जहाँ आरशी होती है, और वो अपनी वही सेम हालत कर देती है, अपने हाथ भी बांध देती है और मुंह में वैसे कपड़ा ठूस देती है जैसे आरशी का हुआ हुआ था, और गुस्से में वहीं बैठी रहती है। और उसके दिमाग में बार बार भावना की यही बातें चलती रहती हैं, और तभी उसके दिमाग में भावना की वो बात चलती है जो उसने बोली थी कि तुम्हें लाइक करने लगी थी, तुम क्यूट लगती थी इसे। तो उसके दिमाग में जैसी ये बात आती है ना, तो वो हमारे की आँखें बंद होती हैं, वो फ़ौरन जैसे खोलती है और यही सोच रही होती है क्या क्या वो मुझे लाइक करती है, मुझे कैसे लाइक कर सकती है, वो तो मुझसे नफरत करती है ना। तो हमारा ऐसे सोचती है, वो बहुत कंफ्यूज होती है, एक तरफ उसे समझ नहीं आ रहा था कि भावना ऐसे क्यों कहेगी, झूठ क्यों बोलेगी कि वो उसे लाइक करती है। तो वो फ़ौरन जैसे अपने मुंह से कपड़ा निकालती है और उसको प्रैक्टिस होती है हाथ से वो मतलब खोलने की अपने हाथ, तो वो फ़ौरन से हाथ भी खोलती है और वॉशरूम दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ भाग जाती है मेडिकल रूम की तरफ, और मेडिकल रूम के बाहर मतलब खड़ी होती है और कान लगा के सुन रही होती है। तो कान लगा के सुनती है, देखती है आशु को होश आ गया होता है, भावना और आशु दोनों बातें कर रही होती हैं। तो भावना जो होती है वो अमारा की नाम ले रही होती है बार बार, और अमारा के बारे में बहुत बड़ा बुलब हो रही होती है। तो आरशी जो होती है ऐसे टेक लगा के बैठ से बैठी होती है और कहती है कि उसे कुछ मत बोलो, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने नहीं किया ये सब मेरे साथ, भावना की थी। अच्छा तो फिर किसने किया है, तुम ज़्यादा उसकी साइड मत लो ठीक है ना, ज़्यादा पीहू मत बनो जो हर टाइम उसकी साइड लेती रहती है, और पीहू तो अभी तक मुझ पर यकीन ही नहीं करी कि उसकी दोस्त ऐसा कर सकती है, लेकिन मुझे पता है ये सब उसी ने किया है, उसने तुम्हें इतना हर्ट किया है ना, हाँ वरना तुम्हें ये चोट कैसे लगी और तुम बेहोश कैसे हुई। तो आरशी कहती है कि मैंने बोला ना यार उसने नहीं किया, वो अच्छी है। तो भावना कहती है हाँ अच्छी है, फिर से तुम्हारे सॉफ्ट कॉर्नर जाग पड़ा है उसके लिए, बोला ना अच्छी नहीं है दूर रहो उससे। आरशी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे कोई लाइक वाइक नहीं करती ठीक है ना, लेकिन वो बाकियों की तरह नहीं है, बाकी सीनियर्स की तरह वो गंदी नहीं है, उस हिसाब से वो अच्छी है, जिस तरह पीहू है ना वो वैसी है। भावना कहती ऐसे मत बोलो, पीहू बहुत अच्छी है और हमारा उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आरशी कहती है हाँ आई नो, तुम्हारी नज़रों में तो पीहू बहुत अच्छी है, आई नो मेरी नज़रों में भी अच्छी है वो, लेकिन हमारा भी इतनी बुरी नहीं है, उसके बारे में ना ये सब बातें दिमाग से निकाल दो, वो अच्छी लड़की है। तो भावना कहती कैसी लड़की हो यार, तुमने हमारे साथ इतना गलत किया है और तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो, हाँ मेरा तो दिल कर रहा था मैं उसके मुँह पर थप्पड़ लगा दूँ,
अर्शी कहती पागल हो, ऐसा सोचना भी मत, उसे हाथ भी मत लगाना तुम। भावना कहती देखा मैंने बोला था ना अभी भी तुम उसे लाइक करती हो। तो अर्शी कहती अरे मैं उसे लाइक नहीं करती, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसने मुझे हर्ट नहीं किया, वो बाकी सीनियर्स ने मुझे हर्ट किया था, मेरी रैगिंग की थी, पता भी है वो ना आती ना तो पता नहीं क्या होता, मैं कितना टाइम और वॉशरूम के अंदर बंद रहती वो भी उस हाल में। भावना कहती क्या वॉशरूम में बंद रहती, क्या बोल रही हो तुम, कब हुआ ये सब और मुझे क्यों नहीं बुलाया तुमने। अर्शी कहती कैसे बुलाती, हाथ पाँव मेरे बांध कर उन्होंने मुझे वॉशरूम में बंद कर रखा था, मुँह में भी कपड़ा ठूस रहा था, कैसे बुलाती तुम्हें। तो कहती और तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो भावना सब बताती है, सॉरी आशी सब बताती है भावना को। तो भावना को बहुत गुस्सा आता है, भावना कहती बहुत हो गया ये सीनियर्स का, मैं चाह रही हूँ प्रिंसिपल मैम के पास आज इनकी कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे बोल के बाहर की तरफ जाने लगती है। तो आशी कहती प्लीज़ मत जाओ, उन्होंने मेरे साथ भी ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा था कि मैं इनके खिलाफ मैम मतलब रैगिंग इन्होंने मेरी किया, मैं मैम को बताने जा रही थी, इनके खिलाफ बातें लगाने जा रही थी इसलिए किया उन्होंने। भावना कहती लेकिन तुम गई क्यों थी मैम के ऑफिस में, क्यों जा रही थी। कहती मैं तो जा रही थी छुट्टी लेने क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, और उन लोगों ने पता नहीं पागलों ने क्या संभल लिया, खैर छोड़ो सीनियर्स होते ही पागल हैं। भावना कहती यार सीनियर्स है तो कुछ भी करेंगे, अब मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हट करने की, इनके खिलाफ अब एक्शन लेना ही होगा। तो आर्शी कहती छोड़ो ना यार कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मर थोड़ी गई हूँ, ठीक हूँ मैं। तो भावना कहती पक्का ठीक हो, आर्शी कहती पक्का ठीक हो यार, तुम टेंशन मत लो। तो हमारा ज्योति वे सब बातें सुन के वहाँ से चली जाती है, तो उसके दिमाग में ये सब बातें घूम रही होती हैं। तो ये सोच रही होती है कि आर्शी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है कि मैं अच्छी हूँ, जिस समझ नहीं आ रहा, एक तरफ कहती है मैं अच्छी हूँ, दूसरी तरफ मुझसे लड़ाई करती रहती है, ये लड़की चाहती क्या है, कि आखिरकार मैं इसकी नज़र में हूँ क्या। तो ये सब सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तो गाइज उसको क्या बता मारो को कि आर्शी की नज़र में तो वही बहुत स्वीट सी क्यूट सी लड़की थी। खैर अभी भी कहीं ना कहीं उसे यही लगता है कि हमारा बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, जिसे वो बहुत लाइक करती है। सो गाइज अब देखना ये है कि हमारा को कब पता चलेगा कि आर्शी उसे किस टाइप वाला लाइक करती है, और कब इन दोनों की फ्रेंडशिप होगी, और फ्रेंडशिप के बाद क्या क्या होगा। तो ये सब जाने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट यार जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन गाइस टाटा बाय बाय।